जरूरी है तो सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है मेरा इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट क्या बोला जा रहा है अगर ट्रायंगल है कोई एक जिसका साइड्स अनइक्वल हो जैसे कि आपको फिगर देख के पता चल रहा होगा कि एबीसी मेरा एक ट्रायंगल है जिसमें सबसे छोटा साइड है ए बी देन बी सी देन एसी क्लियर अगर ट्रायंगल के साइड्स अनइक्वल रहे तो जो सबसे बड़ा साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है बच्चों एसी एसी के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा बी यानी सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा यहाँ पे एंगल बी क्लियर उससे छोटा साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है बीसी bc के अपोजिट में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो है मेरा एंगल a देन फिर होगा मेरा एंगल a एंड सबसे छोटू साइड है मेरा ab ab के अपोजिट में आपका एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल c यानी सबसे छोटा एंगल हो जाएगा एंगल c क्लियर इसका रिवर्स भी वही होगा इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट क्या बोला जा रहा है ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल अन इक्वल हो ये वाला ये मेरा कुछ ऐसा फिगर है तो आपको देख के पता चल रहा होगा ए बी सी सबसे बड़ा एंगल कौन सा है बच्चों एंगल बी क्लियर उससे छोटा एंगल है आपका एंगल ए एंड उससे छोटा एंगल है आपका एंगल सी इफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनुल ट्रगल के सारे एंगल अगर लेंथ के होंगे तो क्या बोला जा रहा है जो ग्रेटर एंगल है उसके अपोजिट वाला साइड सबसे, सबसे बड़ा एंगल है ए सी हांजी ए सी सबसे बड़ा है फिर एंगल ए एंगल ए के अपोजिट वाला साइड है बी सी बी सी उससे छोटा साइड है एंड सबसे छोटा साइड है मेरा ए बी क्लियर ये दोनों थ्योरम आपके दिमाग में पूरा आई थिंक बैठ गया होगा तीसरा थ्योरम क्या कहता है मेरा द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड कोई भी ट्रायंगल आप फॉर्म करो कोई भी ट्रायंगल उसके किसी भी दो साइड को लो कोई भी दो साइड को अगर आप लोगे एबीसी मेरा एक ट्रायंगल है इसमें आपको कोई भी दो साइड लेना यानी अगर मैं ए बी और ए सी को लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी प्लस ए सी सम ऑफ एनी टू साइड ए बी और ए सी को मैंने लिया तो इनका सम बड़ा होगा BC से। Clear? अब चेंज करो. अब करो। मैं सी प्लस ए सी को लिया मैंने क्या बच गया अगर मैं सी और ए सी को लूंगी तो ए बी बचेगा क्लियर और ए सी को ले लिया मैंने एक बार बी सी और सी को ले लिया एक बार मैं बी और

फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फिगर यहाँ पे आपका प्रूव दैट ए बी ग्रेटर ए बी ग्रेटर आपको प्रूफ करना है इस फिगर के मुताबिक की ए बी जो है वो सी डी साइड से बड़ा है कैसे करेंगे तो सबसे पहले देखो कि आपको गिवन क्या है सबसे पहले आओ ए बी सी ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल को अगर आप देखो तो मुझे गिवन है कि ए बी और एसी साइड सेम है दैट मींस ये मेरा एक आई एस है आईसी ट्रायंगल का ही दो साइड सेम होता है और जो दो साइड सेम होता है उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते क्लियर यानी अगर ये मेरा 70 है तो ये साइड ये एंगल भी कितना हो जाएगा 70 ये ऑलरेडी हमने आईसी ट्रायंगल में पढ़ा है और उसका वीडियो आपका अवेलेबल भी है आपने पढ़ा भी है तो क्या लिखोगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स ए सी देर फोर एंगल बी अच्छा पूरा ही लिख देती हूं क्लियर ये मेरा सेवनटी डिग्री आ गया आपको एबी साइड और सी डी साइड के बीच में रिलेशन चाहिए यानी मुझे इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का पता होना चाहिए बिकॉज सी डी साइड सीधी साइड आपका इस ट्रायंगल में ना ये छोटू वाले ट्रायंगल में ए सी डी ट्रायंगल में तो आपको ए सी डी के तीनों एंगल के बारे में पता होना चाहिए तब ना आप उसके साइड से रिलेशन बना पाओगे तो सबसे पहले हम ए सी ए सी डी ट्रायंगल के तीनों साइड को निकाल लेते हैं आ जाओ इन ट्रायंगल ए सी डी गिवन क्या है बच्चा गिवन है हमें एंगल ए डी डिग्री क्लियर अगर ये वाला सेवेंटी है तो ये वाला 110 होगा या yes सोनो no होगा क्यों होगा बिकॉज एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री तो आप क्या लिखोगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस सेवेंटी यानी 110 डिग्री और ये भी निकाल सकते हो आप एंगल सी ए डी यानी ये वाला एंगल इतना दूर का कैसे निकालोगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस करेंगे क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये कितना हो जाएगा 180 एट्टी माइनस वन प्लस फोर्टी कितना होता है 150 माइनस करोगे तो आ जाएगा 30 डिग्री तो इस ट्रायंगल के मुझे तीनों एंगल के बारे में पता चल गया तो हम इजली साइड बता सकते हैं कि कौन सा साइड बड़ा होगा कौन सा साइड छोटा होगा

एंड लास्ट आएगा मेरा सी डी क्लियर ये हमने सजा लिया ठीक है यानी यहां से हमको क्या पता चला कि ए सी जो है वो बड़ा होगा सी डी के क्लियर AC जो है वो सी डी से बड़ा है ये हमको पता चला फ्रॉम इक्वेशन वन से बट प्रूफ करने बोला गया था मुझे AB को सी डी से बड़ा दिखाना था मेरा तो भाई ए सी बड़ा आया सी डी के बट मुझे AB को बड़ा दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे तो आपको पता है कि ए सी और ए बी का लेंथ सेम है ये आपको गिवेन इक्वेशन में वो आपका एक स्ट्रांगल है यानी मैं यहाँ पे सी को रिप्लेस कर सकती हूँ ए बी से ये रहा इसका नेम दे दो इक्वेशन वन अच्छा इसका दे दो इक्वेशन टू यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन टू यानी ये इंप्लाई करेगा ए बी ग्रेटर देन सी डी यहाँ ब्रैकेट में लिख देना ए सी इक्वल ए बी कितना इजी था हो गया सम तो बस आपको थ्योरम पता होना चाहिए अप्लाई करने आना चाहिए आपका सम इजली हो जाएगा तो चलो फटाक से जाओ कमेंट सेक्शन में हैशटैग चौकेट लिखो और नेक्स्ट करो नेक्स्ट देखो नंबर टू क्या है इन्हें ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू आर इज इक्वल टू पी आर दैट मीन सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो ये रहा मेरा एक ट्रायंगल जिसमें आपको बोला गया है क्यू आर साइड पी आर साइड के सेम है P, Q, R एक ट्राइंगल है जिसका क्यू आर साइड और पी आर साइड आपस में सेम है इस तरीके से एंगल पी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्री एंगल पी मुझे गिवन है बच्चों थर्टी सिक्स डिग्री आपको क्या बोला गया है विच इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रांगल इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा तो सबसे बड़ा साइड फाइंड आउट करने के लिए आपको सारे एंगल्स पते होने चाहिए कैसे निकालोगे तो देखो वही सेम का प्रॉपर्टी यूज करो जो दो साइड सेम है उनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे यानी अगर ये 36 डिग्री है मेरा बच्चा तो ये भी कितना होगा 36 डिग्री क्या लिखोगे इन एंगल पी क्यू आर एंगल आर सॉरी पहले साइड लिख लो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर इज इक्वल टू क्यू आर तो ये इंप्लाई करेगा एंगल आर क्यू पी इक्वल एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्री एंगल आर क्यू पी इक्वल एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्री जब इन दोनों एंगल को हमने फाइंड आउट कर लिया तो ये वाला एंगल तो हम इजली निकाल लेंगे देयरफॉर फोर एंगल क्यू आर पी निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा वन में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो यानी सेवेंटी टू 180 में से आपको 72 माइनस करना है करो माइनस कितना हो जाएगा माइनस करोगे तो यह आएगा आपका 108 डिग्री यानी सबसे बड़ा एंगल है आपका एंगल आर तो इसके अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा होगा यानी आप क्या लिखोगे क्यूपी इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रंगल क्लियर यही पूछा गया था मुझे नेक्स्ट क्या है नंबर थ्री ट्राइंगल आर एट सेंटीमीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर ठीक है पहले मैं बोर्ड इरेज कर देती हूं में आए, तारा मार कर मिट मिट जाए। देखो क्या है नंबर टू सॉरी नंबर थ्री नेक्स्ट है नंबर थ्री मेरा इफ टू साइड्स ऑफ अ triangle आर एट सेंटीमीटर एंड थर्टीन सेंटीमीटर

छोटा यानी आपको पता करना है जो मेरा थर्ड वाला साइड है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसके बीच में लाइक करेगा कैसे निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपका ट्रायंगल का दो साइड गिवन रहे जो थर्ड साइड होता है थर्ड साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जो थर्ड साइड का वैल्यू होता है वो बचे दोनों साइड के सम से हमेशा छोटा होता है, था ना थ्योरम द सम ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड दो साइड का सम तीसरे साइड के दो साइड का सम ट्रायंगल के तीसरे साइड से हमेशा छोटा होता है यानी ए बी सी क्लियर आप क्या लिखोगे ए बी है आपका एट सेंटीमीटर ए सी है आपका थर्टीन सेंटीमीटर देयरफॉर बी सी जो है वो आपका लेस देन होगा 8 प्लस थर्टीन के सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन दी थर्ड साइड यानी BC होना चाहिए आपका लेस देन इसे प्लस कर दो ये हो जाएगा बच्चा 21 यानी BC हमेशा 21 से कम होना चाहिए 21 से कम और किससे बड़ा होना चाहिए तो ये तो मेरा आ गया आगे क्या था The difference of any two sides of a triangle is always greater than the third side. क्या बोल रहा है जैसे दो साइड का सम ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा होता है वैसे ही ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से बड़ा होता है दो साइड आपको गिवन है यानी BC जो है वो बड़ा होना चाहिए 13 8 से यानी BC आपका बड़ा होना चाहिए 5 से यानी BC का वैल्यू आपका 5 और 21 के बीच में कहीं लाए करेगा ना वो 5 से छोटा हो सकता है ना वो आपका 21 से बड़ा हो सकता है क्लियर यही आपको पूछा गया था आपको क्या पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी थर्ड साइड का वैल्यू ए से बी के बीच में लाइक कर रहा है आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है जिसमें से बी बड़ा है और ए छोटा है बड़ा वाला वैल्यू है ट्वेंटी वन यानी बी हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन और ए हो जाएगा आपका फाइव यानी थर्ड साइड का वैल्यू ट्वेंटी वन से फाइव के बीच में लाइक करेगा ना वो ट्वेंटी वन से बड़ा हो सकता है ना वो फाइव से छोटा हो सकता है क्लियर आगे क्या बोला गया आपको नंबर फोर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट बी सी एंड सी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ दैट मींस आपको फिगर ड्रॉ किया हुआ है आपको ट्रायंगल के साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो चलो पहले बोर्ड को चकाचक कर देते हैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं मैं आप लोग भी ड्रॉ कर लो क्या है फिगर देखो नंबर फोर में दो क्वेश्चन है मैं एक कराऊंगी क्योंकि सेम पैटर्न का ये दूसरा आपसे हो जाएगा और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जॉब ग्रुप को ज्वाइन करो बिकॉज अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो टाइम टू टाइम आपको एग्जाम से रिलेटेड दैट मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए या सोल्यूशन हो गए वो मिलते रहेंगे इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करो क्या है नंबर फोर का पार्ट वन ऐसा कुछ मेरा फिगर है ये रहा अपना फिगर क्लियर वेयर ए सी ये एंगल आपको गिवेन है सिक्सटी सेवन डिग्री एंड ये एंगल गिवेन है आपको थर्टी थ्री डिग्री आपको बोला गया है आपको किस किस को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है सी ए सी एंड सी डी को बी सी ए सी एन सी डी को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है बी सी ए सी एन सी डी यानी आपको सबसे पहले आप क्या करो ट्रायंगल के सारे एंगल को निकाल लो ठीक है ये ट्रायंगल में आपका ये दोनों साइड सेम है अगर ये 67 है बच्चों तो ये भी हो जाएगा 67 डिग्री क्लियर लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स ए सी ये इंप्लाई करेगा एंगल ए cb एंगल abc 67 डिग्री क्लियर ये दोनों मेरा 67 हो गया तो ये तीसरा वाला एंगल है यानी एंगल bac ये कितना हो जाएगा बच्चों ऑबवियस सा बात है इसको निकालने के लिए आपको 180 में से माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को प्लस करके 77 14 66 12 1, 13 134 को माइनस करना पड़ेगा आ जाएगा बच्चों सिक्स ये हो गया आपका सेवन में से थ्री माइनस करोगे फोर फोर्टी सिक्स क्लियर यानी अगर आपको इसे किसी किसी अरेंज करना है बीसी एंड एसी बी सी और ए सी ठीक है अब आप एंगल देखो तो मेरा सबसे बड़ा एंगल है सिक्सटी सेवन यानी ए बी इक्वल होगा ए सी के और ये बड़ा होगा आपका तीसरा साइड जो की है मेरा बीसी से क्लियर यहां से मुझे पता चल गया ए सी बड़ा है BC से ठीक है ए बी और ए सी सेम है और ये दोनों बी सी से बड़े हैं इस ट्राइंगल कहोगे अब जाओ ये वाले ट्रायंगल में इसका नेम दे दो बच्चों। इक्वेशन वन इसमें देखो कैसे निकालेंगे तो ये अगर आपका 67 है तो ये कैसे निकालोगे 180 से माइनस करके लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल ए सी डी हो जाएगा बच्चों। 180 एटी माइनस सिक्सटी सेवन डिग्री माइनस कर लो टेन में से सेवन माइनस करोगे थ्री सेवन में से सिक्स माइनस करोगे वन यानी वन हंड्रेड थर्टीन डिग्री ये वाला भी एंगल आ गया मेरा तो ये वाला भी निकाल लूंगी मैं सी एडी अगर मैं निकालूंगी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस इन दोनों को प्लस करके वन एट्टी से माइनस करना पड़ेगा यानी वन एट्टी डिग्री माइनस वन हंड्रेड थर्टीन प्लस थर्टी थ्री माइनस कर लो बच्चों 180 में से माइनस करोगे 336 3141 क्लियर माइनस करो 10 में से 6 आया आपका 4 ये भी आएगा आपका 34 डिग्री कितना आया 34 डिग्री ठीक है तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल है 113 देन है ए और फिर है ये यानी इसकी साइड को भी आप सजा सकते हैं जो एंगल सबसे बड़ा है उसका ऑपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा एंगल है मेरा ये इसका अपोजिट वाला साइड है एडी यानी एडी आपका बड़ा होना चाहिए क्लियर फिर नेक्स्ट मेरा ये वाला एंगल आ रहा है इसके अपोजिट वाला साइड है सी डी एंड लास्ट आ रहा है मेरा कौन सा है बच्चों 33 33 के अपोजिट वाला साइड है ए सी क्लियर सजा लिया हमने आपको किसे बोला गया था बी सी ए सी और सी डी को तो आप देखो ए सी मेरा बी सी से बड़ा है और ए सी मेरा सी डी से बड़ा यानी सबसे बड़ा अगर मैं देखूं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मर्ज करूं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मर्ज करूं तो मैं क्या देख रही हूं ए सी मेरा बी सी से बड़ा हो जा रहा है और AC से बड़ा सी डी हो जा रहा है यानी सबसे बड़ा साइड हो गया बच्चों सी डी देन ए सी देन बी सी आपको असेंडिंग ऑर्डर में बोला गया दैट मीनस छोटे से बड़ा तो सबसे छोटा साइड है आपका बीसी BC से बड़ा हो गया AC सी एंड ए से बड़ा हो गया बच्चों सी टी क्लियर समझ में आया कैसे किया हमने जैसा मैंने फोर का पार्ट वन किया है फोर का पार्ट टू आप खुद से करोगे और कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में फटाक से पूछ लेना इसलिए जाओ ग्रुप को ज्वाइन करो अब देखो नेक्स्ट नंबर फाइव नेक्स्ट देखो नंबर फाइव नंबर फाइव का फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है अरेंज दी साइड ऑफ अ ट्रेंगल बी ओ सी बी ओ सी मतलब ये छोटे वाले ट्रैंगल के साइड्स को आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में BO एंड CO are आर of angle ABC and एंड BO ये वाला एंगल ए बी सी यानी इस एंगल का बाई सेक्टर है ये दोनों आपका बराबर है और सीओ जो है वो इस वाले एंगल का बाई सेक्टर है मतलब ये दोनों इक्वल है क्लियर आपको ये छोटे वाले ट्रायंगल के साइड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए मुझे छोटे वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल पता होना चाहिए तभी मैं साइड को अरेंज कर पाऊंगी तो चलो निकालते सबसे पहले आप क्या लिखोगे एंगल ए बी ई e मुझे पता है एंगल ए बी ई e मुझे पता है 106 डिग्री अगर ये 106 है तो इसे मैं इजली निकाल सकती हूं 180 से माइनस करके तो आप क्या लिखोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस वन हंड्रेड सिक्स डिग्री माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा ये आएगा फोर ये आएगा फोर और ये आ जाएगा सेवन दैट मीन सेवेंटी Clear, 74 आ गया अब बाई है मतलब ये दोनों हाफ हो जाएगा तो आप लिखोगे करो तो 2, 6, 2, 14 थर्टी सेवन डिग्री छोटू वाला एंगल मुझे पता चल गया थर्टी सेवन डिग्री इसे मैंने फाइंड आउट कर लिया अब मैं क्या करूंगी अब देखो मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ ये कैसे निकालूंगी तो आप क्या लिखोगे एंगल क्या है ये डी ए बी डी ए बी पता है मुझे कितना पता है डी ए बी मुझे 137 अगर ये 137 है तो ये मैं इजली निकाल सकती हूँ 180 से माइनस करके तो मैं क्या लिखूंगी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू वन डिग्री माइनस वन डिग्री माइनस करो ये आया आपका सॉरी uh, थ्री ये आया थ्री सेवन में से थ्री माइनस करोगे फोर्टी थ्री ये मुझे पता चल गया डिग्री अब इसे कैसे निकालोगे तो दो मेथर्ड निकालने का पहला तो इन दोनों को प्लस करो, ये angle, ये B, और a को प्लस प्लस करो 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 ये ये फुल फुल एंगल 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 और और 180 से माइनस या फिर इन दोनों का सम जो है हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल यानी दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है वहां से भी मैं एंगल सी फाइंड आउट कर सकती हो तो बस आपको अप्रोच करना है मेथड्स बहुत सारे हैं वो आपके ऊपर है आपको किस मेथड को यूज करना है क्लियर तो आप लिखोगे एंगल ए सी बी है ना ये वाला एंगल कैसे निकालूंगी तो देखो इन दोनों का सम इन दोनों का सम जो है ये पूरा वा ये पूरा है ना इन दोनों का सम दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है यानी अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये वाला मेरा आ जाएगा या फिर आप पूरा ही लिख लो कंफ्यूजन नहीं होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर के इक्वल होता है यानी इनका सम 137 के इक्वल होगा अगर मैं यहाँ से एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना चाहूँ तो 137 थर्टी सेवन माइनस ये फुल कितना आया था मेरा ये फुल आया था 74 माइनस कर लो बच्चों कितना हो जाएगा सेवन में से फोर माइनस करोगे थ्री ये हुआ थर्टीन थर्टीन में से सेवन माइनस करोगे सिक्सटी थ्री क्लियर ये फुल आ गया मेरा थ्री तो हाफ निकालने के लिए टू से डिवाइड कर दो मुझे चाहिए एंगल ओ सी बी तो आप लिखोगे एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई टू ये हो जाएगा आपका थर्टी वन पॉइंट फाइव डिग्री ठीक है ये हो गया मेरा 31.5 डिग्री अब क्या बचा मेरा? आ, ये आ गया ये आ गया ये तीसरा पता चाहिए करना है मुझे बी तो निकाल लो एंगल बी मुझे ये मुझे वाले के साइड को अरेंज करना है यानी मुझे छोटे वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल पता होना चाहिए ये वाला मैंने पता कर लिया ये वाला मुझे पता हो गया ये वाला पता करना है इजली कर लूंगी वन में से माइनस कर दूंगी मैं पहला कितना आया था फोर्टी नहीं सॉरी फोर्टी थ्री नहीं आया था कितना आया था कितना आया तो कितना आया था थर्टी सेवन आया था थर्टी सेवन प्लस थर्टी वन पॉइंट फाइव वन एटी में से माइनस कर लो बच्चों ये हो जाएगा एट थ्री थ्री सिक्स सिक्सटी एट पॉइंट फाइव माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका ऑब्वियस सब आत है बड़ा ही आएगा फिर भी कर लो तो ये हो जाएगा फाइव ये हो गया मेरा नाइन नाइन में से एट माइनस करूंगी वन ये हो गया सेवन सेवन में से देन तो फिर उसके बाद कौन सा एंगल है ये वाला इसके अपोजिट वाला साइड है ओ सी फिर होगा आपका ओ सी एंड सबसे छोटू एंगल आया मेरा ये वाला इसके अपोजिट वाला साइड है बी ओ यानी सबसे छोटा हो जाएगा बच्चा सेम वही जो थ्योरम हमने पढ़ा है थ्योरम का हमें यूज करना है अब देखो नेक्स्ट नंबर ट्रगल ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी इस तरीके से ए बी सी इस ट्राइंगल के बीसी साइड पे कहीं पे एक पॉइंट है D. ये मैंने एक पॉइंट ले लिया D.

तो जो साइड बड़ा है उसका अपोजिट एंगल ऑब्वियस और बड़ा होगा आप क्या लिखोगे इन एंगल ए डी सी एडी ग्रेटर देन ए सी एडी बड़ा है ना तो एडी के अपोजिट एडी के इस साइड के अपोजिट एंगल आ रहा है वाला, angle, ये वाला यानी एंगल ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल ए सी डी बड़ा होना चाहिए एंगल ए डी सी से ये वाला साइड इससे बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल से बड़ा होगा जो साइड बड़ा उसका अपोजिट एंगल बड़ा तो ए सी का अपोजिट एंगल है ए डी सी क्लियर ये मुझे पता चल गया इसका नेम दे दो इक्वेशन वन अब मैंने क्या बताया था कि द सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ट्रांगल के किसी भी दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है अगर अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ट्रैंगल ए बी डी में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ये दोनों इंटीरियर का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल यानी इस एंगल के इक्वल होना चाहिए ये दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए अब आप लिखोगे इन ट्राएंगल ए बी डी एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए इक्वल होना चाहिए एंगल ए डी सी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ मुझे किस किस साइड में रिलेशन चाहिए मुझे ए सी और ए बी में रिलेशन चाहिए क्लियर मुझे ए सी और ए बी में रिलेशन चाहिए तो उनके अपोजिट एंगल के बीच में मुझे कुछ ऐसा रिलेशन लाना पड़ेगा ताकि मैं उसे प्रूफ कर पाऊं अभी आप देखो कि मैं कैसे स्टेप ले रही हूं फिर आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि मैंने वो स्टेप क्यों लिया क्लियर ये समझ में आ गया कि इन दोनों का सम ADC के इक्वल है आपका इन दोनों के सम के इक्वल है पुट कर दो पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल एडीसी इन इक्वेशन वन पुट कर दो यानी एंगल ए सी डी ग्रेटर हो जाएगा एंगल एडीसी के प्लेस में मैं ये वाला वैल्यू लिखूंगी एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी क्लियर यानी ए सी डी आपका इन दोनों के सम से बड़ा है ब्लू मार्कर अच्छा छोड़ो ए सी डी आपका इन दोनों के सम से बड़ा है अब यहां से मुझे क्या पता चला अब देखो अगर acd इन दोनों के सम से बड़ा होगा तो ऑबवियस सा बात है acd इन दोनों से अलग-अलग भी बड़ा होगा सपोज करो इन ये एंगल है आपका 5 फॉर एग्जांपल ये एंगल है आपका 3 और ये एंगल है इन दोनों के सम से बड़ा इन दोनों का सम आता है 8 उससे बड़ा आप कुछ भी पकड़ लो दस अगर 10 5 plus 3 के सम से बड़ा है तो टेन फाइव से भी बड़ा होगा टेन थ्री से भी बड़ा होगा होगा ना अगर एंगल ए सी डी इन दोनों के सम से बड़ा है तो ये इन दोनों से अलग अलग भी वो बड़ा होगा यानी ये इंप्लाई करेगा एंगल ए सी डी बड़ा होगा एंगल ए बी डी के बस मेरा काम हो गया ए सी डी को हमने बड़ा प्रूफ कर दिया ए सी डी को हमने बड़ा प्रूफ कर दिया ए बी डी के अब देखो ए सी डी इस एंगल के अच्छा ए सी डी है ना अब आप इसके जगह में लिखो एंगल ए सी बी बड़ा होगा एंगल ए बी सी ठीक है अब आप देखो ए सी बी ए सी बी ये वाला एंगल इसका अपोजिट वाला साइड कौन सा है ये एंगल सबसे बड़ा है इसका अपोजिट वाला साइड है बच्चों ए बी जो एंगल हमने लिया उसका अपोजिट वाला साइड बड़ा होगा अगर ए सी बी को हमने बड़ा प्रूफ किया तो इसका अपोजिट वाला साइड है ए बी यानी ए बी बड़ा हो गया ए बी सी ए बी सी ये वाला एंगल इसके अपोजिट वाला साइड है ए सी यानी ए बी को हमने बड़ा प्रूफ कर दिया ए सी सी क्लियर समझ में आया कैसे किया कितना इजी था तो ए डी सी को आपको यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए मुझे ये वाला टू इंटीरियर एंगल वाला रूल लेना पड़ा क्लियर तो ये आपको ऐसे नहीं आएगा आप इसे प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा सम्स बनाओगे तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि मुझे कब कैसा स्टेप्स लेना है अब देखो नेक्स्ट नंबर सेवन नेक्स्ट देखो नंबर सेवन क्या है इन अ फॉलोइंग फिगर एंगल बी ए सी बी ए सी ये फुल मुझे गिवन है 60 डिग्री एंड एंगल ए बी यानी ये फुल एंगल मुझे गिवन है सिक्सटी डिग्री और आपको प्रूफ करने बोला गया है CF greater than AF and DC एंड than DF and AD or CE एंड और जो है वो आपका परपेंडिकुलर है दैट means 90 डिग्री है आपको प्रूफ करना है CF CF को जो ये रहा मेरा CF and एंड AF यानी ये वाला आपको जो दो साइड को बोला गया है स सी एफ और एफ के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना यानी इनके अपोजिट एंगल आपको पता होना चाहिए जब भी साइड बोला जाएगा तो हम एंगल से स्टार्ट करेंगे एंगल्स एंगल्स को अगर हमने दिखा दिया तो साइड मेरा अपने आप हो जाएगा और जब भी दिखाने बोला जाएगा तो हम साइड को लेकर करेंगे क्लियर आपको सी एफ और एफ साइड चाहिए यानी सी एफ के अपोजिट एंगल ये छोटू वाला और एफ ए एफ के अपोजिट एंगल ये छोटू वाला यानी इन दोनों एंगल को अगर मैंने पता कर लिया तो मैं इजिली बोल सकती हूँ तो सबसे पहले आप क्या करो देखो इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है ये आपका ए बी डी एक ट्रायंगल है ए डी सी एक ट्रायंगल है ए एफ सी एक ट्रायंगल है ए एफ ई एक ट्रायंगल है ए सी e, एक ट्रायंगल है बहुत सारा ट्रायंगल है तो आप क्या करो सबसे पहले आप सारा एंगल पता कर लो तो आपका काम इजली हो जाएगा मुझे सी एफ और ए एफ चाहिए ना सी एफ और एफ चाहिए तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल के एंगल को पता करूंगी सी एफ और एफ मेरे ये वाले ट्रायंगल में जिसमें मैंने स्टार बनाया है तो मुझे सबसे पहले स्टार बने वाले ट्रायंगल का एंगल पता होना चाहिए कैसे करूंगी मैं इस तक कैसे पहुंचूंगी तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल इस तक पहुंचने के लिए भी मुझे कुछ स्टेप लेना पड़ेगा सब सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ई बी सी इसमें आपको क्या पता है ये वाला एंगल अगर 90 है बच्चों तो ये वाला भी 90 होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो आप क्या लिखोगे एंगल बी ई इज इक्वल टू तो नाइन्टी डिग्री एंड एंगल ई बी इज इक्वल टू तो सिक्सटी डिग्री ये मुझे पता है इस ट्रायंगल के मुझे ये वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल का मुझे दो एंगल पता है ये वाला और ये वाला अगर ये दोनों पता है बच्चों तो ये वाला मैं निकाल सकती हूँ कैसे निकालूंगी तो आप लिखोगे देयर फॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 65 डिग्री करो कितना आता है 180 में से माइनस करो इन दोनों को तो ये हो जाएगा फाइव और नाइन और सिक्स फिफ्टीन है ना माइनस कर लो बच्चों तो ये हो जाएगा आपका टेन में से फाइव माइनस करोगे फाइव और सेवन में से फाइव माइनस करोगे टू ट्वेंटी फाइव डिग्री यानी ये एंगल ये छोटू वाला एंगल मुझे पता चल गया बच्चों ट्वेंटी फाइव डिग्री क्लियर अब आते हैं इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एफडीसी इन ट्रायंगल एफ एफ डी सी में देखो आपको ये पच्चीस पता चल गया ये 90 पता है तो ये एंगल आप इजिली निकाल लोगे लिखो एंगल एफ डी सी पता है मुझे 90 डिग्री एंगल एफ सी डी अभी आया है मेरा कितना आया है जितना मेरा ई सी बी होगा उतना ही मेरा एफ सी डी होगा कितना आया है ट्वेंटी फाइव डिग्री देयर फोर एंगल डी एफ सी में निकाल लूंगी वन माइनस इन दोनों को प्लस करूंगी तो 115 डिग्री दैट मीन 65 डिग्री ये वाला एंगल मुझे पता चल गया 65 डिग्री अगर ये वाला 65 है तो ये मैं इजली निकाल सकती हूँ कैसे निकाल सकती हूं 180 में से माइनस करके क्लियर एक एंगल मेरा पता चल गया अब आप लिखो देयरफॉर फोर एंगल ए ये एफ था ना ये पॉइंट एफ था डेयर फोर एंगल ए एफ सी एफ सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस सिक्सटी फाइव डिग्री माइनस करोगे बच्चा तो वन हंड्रेड फिफ्टीन डिग्री आएगा ये मुझे पता चल गया वन डिग्री क्लियर देखो सेकेंड वाला आप कर सकते हो आपको डीसी और डीएफ बोला गया आपको डीसी और डीएफ डीएफ ये वाला सॉरी ड्रॉ कर देती हूँ पहले आपको डीसी और डीएफ बोला गया सेकेंड वाले में मुझे डीसी और डीएफ ये दोनों का वैल्यू पता चल गया देखो डीसी डीसी के अपोजिट अपोजिट वाला है 65, और DF, DF के वाला एंगल एंगल है है और डीएफ डीएफ के पहले मैं कर लू जब मुझे उसका एंगल्स पता चली गया तो आप लिखो इन डीसीएफ डीसीएफ का आपको तीनों एंगल पता चल गया है सबसे बड़ा एंगल कौन सा है बच्चों सबसे बड़ा एंगल है इसमें एंगल एफ डी सी उसके बाद आता है मेरा एंगल डीएफसी उसके बाद आता है मेरा एंगल एफसीडी यानी डीएफसी मेरा एफडीसी एंगल से बड़ा है उसी हिसाब से आप साइड्स को भी अरेंज कर लो एफडीसी एफडीसी ये वाला एंगल सबसे बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड है आपका सीएफ सीएफ साइड सबसे बड़ा हो जाएगा उससे छोटा साइड हो जाएगा आपका 65 के अपोजिट है मेरा डीसी और उससे छोटा हो जाएगा मेरा डीएफ यानी सेकेंड वाला प्रूफ हो गया मेरा डीसी जो है वो डी एफ से बड़ा है प्रूफ hmm. क्लियर सेकेंड वाला प्रूविंग अब इन दोनों एंगल को मुझे पता करना है अब देखो उसके लिए क्या करूंगी इस ट्रायंगल में आती हूं इन ई एफ एफ में देखो ये वाला आपका 90 है और अगर ये 65 है बच्चों तो ये वाला भी 65 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो होगा ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज बहुत सारे ट्रायंगल है बट अगर ध्यान से करोगे जिसे फाइंड करना है उसे मन में करके करोगे कि मुझे कौन सा साइड्स निकालना है तो इजिली हो जाएगा ए ई एफ में लिखो एंगल ए ई e, एफ आपको पता है 90 डिग्री दूसरा एंगल ए एफ ई e भी मुझे पता है 65 डिग्री अगर ये दोनों एंगल पता है तो ये छोटू वाला मैं निकाल सकती हूँ कैसे निकालूंगी देरपुर एंगल ई ए एफ 180 में से माइनस कर दूंगी इन दोनों को प्लस करके यानी 155 डिग्री तो ये कितना आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा मेरा 25 डिग्री यानी ये वाला भी हो गया मेरा 20 अगर ये ट्वेंटी फाइव है तो ये निकाली लोगे दोनों का सम आपको सिक्सटी गिवन था सिक्सटी में से ट्वेंटी फाइव माइनस कर लोगे तो ये वाला पता चल जाएगा क्लियर तो बॉडी रेस करूं बॉडी रेस करने से काम तो चलेगा नहीं क्योंकि दूसरा वाला का मुझे यहीं से यूज करना है तो मैं इधर ही बनाती हूं यहाँ पे ठीक है आप क्या लिखोगे एंगल एफ ए डी एंगल एफ ए डी बोल दिया सॉरी मैंने सी एंगल एफ ए सी कितना हो जाएगा बच्चा डिग्री यानी थर्टी फाइव डिग्री एंगल मुझे पता चल गया थर्टी फाइव में पता करना था जिसमें मैंने स्टार मारा था इसका दो एंगल पता चल गया आपको ये थर्टी फाइव और ये आया था कितना आया था कहा था मैंने कहां पे किया था कहा था ये रहा वन हंड्रेड फिफ्टीन आया था ये आया था मेरा वन हंड्रेड 15 क्लियर ये आया था 35 और ये आया था आपका 115 दो आपको पता चल गया था लिखो दूसरा एंगल है एंगल एएफसी ये आया था 115 ये दो पता चल गया तो ये तीसरा वाला तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ 180 से माइनस करके इन दोनों का सम को 180 से माइनस कर दूंगी तीसरा एंगल है बच्चों एसीएफ ये कितना हो जाएगा 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा इनका सम इनका सम कितना होता है फाइव फाइव टेन थ्री वन फोर वन फाइव ये यानी ये हो गया आपका 30 डिग्री यानी ये वाला मुझे पता चल गया 30 डिग्री देखो इतना मेरा काम हो गया मैंने सारे एंगल को फाइंड कर लिया आपको प्रूफ क्या करना था मुझे प्रूफ करना था सी एफ ग्रेटर देन ए एफ सी एफ ग्रेटर देन ए एफ हो गया आप देखो कौन सा एंगल मेरा बड़ा है 35 आप लिखोगे ये वाला पार्ट में इधर लिख देती हूँ है ना ये वाला पार्ट में इधर लिख देती हूँ 35 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री और 35 degree, 35 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है थर्टी फाइव ग्रेटर देन 30 के अपोजिट वाला साइड है, सा है क्योंकि स्टार्टिंग से करते करते सब एंगल यहाँ पे फुलफिल हो गया है इसीलिए बट स्टार्टिंग से जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है आप करते जाओगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर वीडियो को फिर से एक बार देखना अगर कोई डाउट रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा बिकॉज बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने सेम है एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी दैट मीन ये पूरा एंगल मुझे कि वन हंड्रेड टेन एंगल ए सी बी ये वाला एंगल सेवेंटी फोर आपको प्रूफ करना है बी सी जो है वो सी डी से बड़ा है BC सी डी से बड़ा है BC मेरा स्ट्राइंगल में है सी डी मेरा स्ट्राइंगल में मतलब मुझे दोनों ट्राइंगल के एंगल पते होने चाहिए तो सबसे पहले आ जाओ इन ट्राइंगल ए सी डी ये 74 है तो ये निकाल लोगे 180 से माइनस करके लिखो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस सेवेंटी फोर डिग्री यानी ये हो जाएगा बच्चों आपका वन हंड्रेड सिक्स डिग्री क्लियर ये मुझे पता चल गया वन हंड्रेड 6 अब देखो इन दोनों ये दोनों साइड बराबर है जो दो साइड बराबर है उनके अपोजिट एंगल सेम होते हैं बिकॉज़ ये आपका एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ट्रायंगल एसीडी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बिकॉज़ आपको गिवन है कि इसका दो साइड सेम है तो आप लिखना एंगल CAD इक्वल होना चाहिए एंगल ADC के और उसका वैल्यू होना चाहिए 180 में से माइनस करो 106 को डिवाइडेड बाय यानी यानी ये ये भी है मेरा 37 degree, ये भी है है मेरा मेरा अब आ जाओ इस में अच्छा पहले इसकी को मैं अरेंज कर करूंगी तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है ये वाला एंगल इसका अपोजिट साइड है एडी एडी बड़ा होगा बाकी दोनों सेम है जो दो एंगल सेम है उनके अपोजिट साइड सेम ही है यानी ए सी क्वल सीट ठीक है इस तरह का है मेरा ये वाले ट्रायंगल का साइड अब इस ट्रायंगल में आते हैं इन ट्रायंगल में देखो सबसे पहले ये एंगल निकाल लो ये टोटल है 110 ये है 37 तो माइनस कर लेंगे एंगल बी ए सी अगर मैं निकालूंगी तो 110 हंड्रेड टेन माइनस थर्टी सेवन डिग्री माइनस करो ये आया थ्री आ, ये हुआ टेन टेन में से थ्री माइनस करोगे तो सेवन सेवेंटी थ्री डिग्री ठीक है ये आ गया मेरा सेवेंटी थ्री डिग्री अब आपको ये वाला एंगल निकालना है ये मेरा आ गया ये मेरा आ गया ये मुझे निकालना है। निकालो एंगल ए बी सी अगर मैं ए बी सी निकालना चाहूं वन एटी में से मुझे माइनस करना पड़ेगा सेवेंटी थ्री प्लस 74 फोर को यानी में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 147 को 147 को माइनस तो ये आ जाएगा बच्चों थर्टी थ्री डिग्री ये वाला एंगल हो गया मेरा थर्टी थ्री डिग्री क्लियर आ गया मेरा अब आपको क्या करना है इस ट्रायंगल के साइड को अरेंज करना है इस ट्रायंगल के साइड को अरेंज करो तो इन ट्रायंगल ए बी सी सबसे बड़ा एंगल कौन सा है बच्चों 74 तो 74 का अपोजिट साइड ए बी सबसे बड़ा साइड होगा ए बी फिर उससे छोटा एंगल आया था आपका ये वाला ये 34 आया था ना ये इसका अपोजिट साइड होगा बी सी एंड सबसे छोटा एंगल आया मेरा ये इसका अपोजिट साइड होगा ए सी क्लियर तो देखो बी सी जो है वो मेरा ए सी के बड़ा आ गया इक्वेशन 2 अब आप क्या लिखोगे अब ये मैं ये वाला यहां पे करती हूं बीसी इज ग्रेटर देन ए सी बी सी मेरा ए सी से बड़ा है बट मुझे बीसी को सी डी से बड़ा दिखाना है तो हो गया कैसे हो गया बिकॉज ए सी और सी डी सेम है आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ए सी और सी डी आपस में सेम है तो आप क्या लिखोगे बी सी इज ग्रेटर देन ए सी ये इंप्लाई करेगा बीसी इज ग्रेटर देन सी डी यहाँ पे लिख देना ए सी बराबर सी डी क्लियर कितना इजी था अब देखो नेक्स्ट नंबर नाइन नेक्स्ट देखो नंबर नाइन क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट

फिगर देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों ये छोटे छोटे दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है सबसे पहला मुझे प्रूफ करना है ए बी ग्रेटर देन बी डी ए बी और बी डी मेरे इस ट्रायंगल में तो सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा है ना जिसमें मेरे डबल स्टार मारा है तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए डी बी कितना गिवेन है बच्चों 90 डिग्री अगर एंगल ए डी बी नाइन्टी डिग्री है तो बच्चे दो एंगल का सम भी 90 ही होना चाहिए बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चा 180 डिग्री है ना ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है अगर मेरा ये वाला 90 है तो बच्चे इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री यानी आप क्या बोलोगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये दोनों का सम नाइन्टी आया यानी मैं बोल सकती हूँ ये वाला एंगल भी 90 से कम होगा और ये वाला एंगल भी 90 से कम होगा दोनों का सम अगर 90 के इक्वल है यानी ये वाला एंगल अकेला भी 90 से कम है और ये वाला एंगल भी 90 से कम है ना यानी एंगल ए डी बी आपका बड़ा होगा एंगल बी ए डी से और एंगल ए डी बी आपका बड़ा होगा एंगल ए बी डी से अब देखो ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो इनके अपोजिट साइड देखो ए डी बी एंगल आपका बड़ा है ए डी बी एंगल आपका बड़ा है एंगल बी ए डी से बी ए डी से ये वाले एंगल से अगर ये एंगल बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड है बी ए यानी ये इंप्लाई करेगा बी ए मेरा बड़ा होना चाहिए कौन सा एंगल लिया मैंने बी ए डी बी ए डी का अपोजिट साइड है बी डी से ठीक है बी ए बड़ा होना चाहिए मेरा बी डी से और इसमें भी लिख लो ऐसे जरूरत नहीं फिर भी लिख लो बीए मेरा बड़ा होना चाहिए दूसरा क्या बच्चा बच्चों ए डी से बी ए मेरा बी डी से बड़ा है पहला प्रूविंग हो गया यही तो मुझे प्रूफ करना था बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो ए बी मेरा बी डी से बड़ा है अब दूसरा देखो इस ट्रायंगल में चलो आ जाओ इस ट्रायंगल में क्योंकि मुझे ए सी और सी डी को प्रूफ करना है ए सी और सी डी मेरा इस ट्रायंगल में लिखो इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी डी में भी एंगल ए डी सी है बच्चों मेरा 90 degree. ये अगर 90 है, तो बच्चे दो एंगल का सम भी नब्बे ही होगा क्यों होगा क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो आप लिखोगे डी ए सी प्लस एंगल ए सी D is equal to 90 यानी ये वाला इससे भी बड़ा है और ये वाला इससे भी बड़ा सेम टू सेम वही प्रोसेस मुझे यूज करना है मैं लिखूंगी एंगल ए डी सी मेरा बड़ा है एंगल डी ए सी से एंगल ए डी सी मेरा बड़ा है एंगल ए सी डी से दोनों से ही ये वाला एंगल बड़ा है इससे भी और इससे भी अब देखो ए डी सी का अपोजिट साइड क्या है बच्चों ए सी ये इंप्लाई करेगा ए सी मेरा बड़ा होगा जो प्रूफ करना उसे मैं कर देती हूँ ए सी मेरा बड़ा होगा डी ए सी डी ए सी का डीसी के क्लियर और इसमें भी लिख देती हूँ ए सी मेरा बड़ा होगा डी के ठीक है दो प्रूफिंग हो गया देखो पहला प्रूफ करना था ए बी ग्रेटर देन बी डी ये ए बी ग्रेटर देन बी डी दूसरा प्रूफ करना था डी ग्रेटर देन सी डी ये भी हो गया तीसरा प्रूफ करना है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी कुछ नहीं करना है आपका दो इक्वेशन आया इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों को ऐड कर दो एडिंग इक्वेशन एंड टू गेट एड करोगे तो एल एच एस वाला एल एच एस से एड होगा आर एच एस वाला आर एच एस से यानी बी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन बी डी प्लस डी सी बी ए प्लस ए सी देखो लेफ्ट हैंड वाला मेरा मैच करा बी ए प्लस ए सी अब बी डी प्लस डीसी को मिला के मैं बीसी लिख सकती हूँ बीडी प्लस डीसी को मिला के मैं बी सी लिख सकती हूं BA AC तो मेरा हो गया अब देखो नेक्स्ट नंबर टेन आज के इस वीडियो में हम नंबर टेन तक ही करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर 11 से 21 तक प्रोसीड करेंगे बिकॉज लंबा बहुत ज्यादा वीडियोस लंबा हो जाएगा तो आपको

तो आपको जो भी चैप्टर्स में डाउट है मुझे कमेंट करके बताओ अब देखो नेक्स्ट नंबर टेन नेक्स्ट देखो तो नंबर नंबर को ज्वाइन कर दिया गया है, आपको प्रूफ करने बोला गया, तीन है. तो मैं एक एक करके लिखते जाऊंगी और आपको समझाते जाऊंगी पहला आपको प्रूफ करना है बी प्लस सी प्लस ग्रेटर कैसे करेंगे a, B, एबी प्लस बी सी ग्रेटर बी सी प्लस सी डी ग्रेटर ठीक है सबसे पहले आप देखो AB और बी सी वो किस ट्रायंगल में आ रहा है तो AB और BC बच्चा मेरा ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है एबीसी में तो मुझे ABC ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा आपको प्रूफ करना है और वो साइड आपके किस ट्रायंगल में आ रहा है क्लियर तो आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी और क्या लॉजिक लगेगा तो मैंने बताया था कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है आप देखो एबी और बी सी मेरा इस तरफ है एल एच एस की तरफ है तो मैं लिखूंगी ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा मेरा ए सी के

और DA बट DA मेरा देखो इस तरफ है RHS की तरफ है यानी DA को मैं RHS की तरफ रखूंगी LHS की तरफ CD को रखूंगी CD के संग CD और DA मेरा इस ट्रायंगल में मतलब मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना होगा तो इसमें बोलूंगी मैं मैंने क्या बताया था कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड तो दिस प्लस दिस ग्रेटर देन DA मैं लिख सकती हूँ, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADC ए डी सी ट्राइंगल में इन दोनों साइड का सम तीसरे वाले साइड से बड़ा होगा सी डी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर अब आप क्या करो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा हमको एलएचएस वाले को एलएचएस से ऐड करोगे आरएचएस वाले को आरएचएस से सब आ गया बस ए सी देखो एक्स्ट्रा ए बी आ गया बी सी आ गया सी डी आ गया और डी ए था सॉरी ये डी ए आ गया आपका ए सी ए सी एक्स्ट्रा है सिंपल सा ए सी प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी माइनस ए सी प्लस डी ए सी ए सी कैंसल यानी पहला प्रूविंग मेरा हो गया समझ में आया सबको कैसे किया मैंने नंबर टू में देखो क्या प्रूफ करना है जिस हिसाब से आपको प्रूफ करना है आपको वही लॉजिक लगाना है दूसरा में मुझे प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर ठीक है थोड़ा सा चेंज है ए बी और बी सी ए बी और बी सी मेरा इस तरफ है इसका सम जो है वो ए सी से बड़ा होगा पहला वाला तो आपका इसी इक्वेशन से हो जाएगा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन एसी दूसरे वाले को आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा दूसरा देखो आपको सीडी और डीए चाहिए सीडी और डीए मेरा इस ट्रायंगल में तो आप क्या लिखोगे कोई भी दो साइड का sum तीसरे साइड से बड़ा होता है तो आप लिखोगे सीडी एडी ग्रेटर देन एसी है ना सीडी एडी ग्रेटर देन एसी अच्छा मैं ट्रायंगल का नेम भी लिख देती हूं इन ट्रायंगल ए डी सी सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी क्लियर इसका नेम दे दो इक्वेशन थ्री अब इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को एड करो एडिंग इक्वेशन वन एंड थ्री वी गेट वन और थ्री को एड करो बच्चो वन में है ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी और इधर क्या है एल एच एस में सी डी प्लस ए डी सी डी प्लस ए डी ग्रेटर है ए सी और ए सी यानी ए सी प्लस ए सी इसके जगह में आ जाएगा टू ए सी देखो प्रूविंग हो गया सेकेंड वाला भी प्रूविंग मेरा हो गया तो जिस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे मैंने लिया था सी डी प्लस ए सी ग्रेटर देन डी ए यहाँ पे मैंने लिया सी डी प्लस एडी ग्रेटर देन ए सी तो वो नीड पे है जैसा मुझे चाहिए जिस हिसाब का आपका नीड है उस हिसाब से आपको साइड्स को चेंज करना पड़ेगा इधर मुझे आर एच एस में डी ए चाहिए था इसलिए मैंने आर एच एस में डी ए रखा सेकेंड वाले इक्वेशन में मुझे आर एच एस में ए सी चाहिए था इसलिए मैंने आर एच एस में ए सी रखा तो वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड को लोगे जैसा आपको प्रूफ करने बोला गया है उस हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे बॉडी रेज हो गया आप देखो लास्ट क्या बोला है नंबर थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन प्रूफ करना है टू बी डी के अब आप बोलो मुझे कौन कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा सबसे पहले देखो ए बी और बी सी आर एच एस में आपका बी डी बी डी लाइन के संग आपका दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एक ये वाला ये ये पूरा एक ये वाला और एक बच्चों ये वाला है ना बी डी लाइन के संग आपका दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एक ये वाला और एक ये वाला आर एच एस में आपका बी डी है तो आप बी डी के साथ दोनों ट्राइंगल का रिलेशन निकालो सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल बी ए डी में बी ए डी में देखो बी डी को आपको आरएचएस की तरफ रखना है मतलब इन दोनों साइड को एल एच एस मिलो ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन होगा बी डी के क्लियर सिमिलरली इसका नेम दे दो इक्वेशन थ्री हुआ था ना इक्वेशन फोर फिर इन ट्राइंगल फिर बीडी के संग दूसरा ट्राइंगल बन रहा है मेरा बीसीडी इसमें क्या हो जाएगा बच्चों बीसी प्लस सी डी ग्रेटर देन हो जाएगा बी डी के क्लियर BD को दोनों में हमने आर की तरफ रखा क्योंकि बीडी आर एच एस की तरफ है ऐड कर दो एडिंग ग्रेटर देन हो गया बच्चों बीडी प्लस बीडी तो आ गया उसी की तरह अरेंज कर लो एबी प्लस बीसी प्लस सी डी Plus AD greater than 2BD. तो बस आपको किस हिसाब से कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों तक पहुंचाओ क्योंकि अगर हम हार्डवर्क कर रहे हैं तो आप हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करो हंसी में जाके कंटेंट को तो आप बहुत ज्यादा शेयर करते हो जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करता जो वैल्यूएबल चीज है जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है उसको तो शेयर करना आपका बनता है तो वीडियो को शेयर करो एक लाइक जरूर दो आपके लाइक देने से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा बट उससे हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो उसको लाइक करो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ और हाँ इसी तरह हमारे साथ बने रहो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे सम नंबर इलेवन टू सम नंबर ट्वेंटी वन तक तब, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे और हां लाइफ सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जरूर से बता देना तो बाय बाय